आज किस मामले को लेके आप लोग आंदोलित हैं और क्या क्या प्रकरण है, किसको लेके आप ज्ञापन देने जा रहे हैं? जैसा कि आप जानते हैं कि अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट से सड़क तक एक पेट्रोल डीजल रसोई गैस की कीमतों को लगातार वृद्धि को लेकर जब से GST लगी है, मोदी जी पूरे देश से दोहरा कर लेने के लिए GST लगाने का काम किया, लेकिन उन्होंने डीजल पेट्रोल और रसोई गैस में आज तक GST के अंतर्गत नहीं लाया। अगर वो GST के अंतर्गत ला दें तो निश्चित तौर पर पेट्रोल की कीमतें, डीजल की कीमतें, रसोई गैस की कीमतें आधी हो सकती। इसी के साथ साथ राफेल मामले को लेकर राहुल जी ने बहुत बार मोदी जी से पार्लियामेंट में सवाल करने का काम किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि दो जो अपने को देश का चौकीदार कहते थे वो चौकीदार नहीं है, भागीदार है। यानी राफेल सौदे में जो सौदा केवल 500 कुछ करोड़ का था वो 1600 करोड़ पहुँच गया, और जहाँ 136 राफेल विमान खरीदने की बात थी वहाँ केवल 36 खरीदे गए। इसमें बड़ा घोटाला है, 1,30,000 करोड़ तक का घोटाला है, लेकिन मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी आज तक इस मुद्दे में कोई भी सामने आने का काम नहीं कर रहा। पेट्रोल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, आम आदमी परेशान है, और इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी ने सभी दलों को साथ लेकर के 10 तारीख को भारत बंद आह्वान करने का काम किया। हम लोगों ने कल्याणपुर में ट्रैक जाम करके पूरे देश में आज भारत बंद के लिए काम किया। आज हम उसी के परिप्रेक्ष्य में पुनः अकबरपुर पार्लियामेंट की ओर से हमने पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की कीमतें कम की जाए, कम न की जाए, उसे GST के अंतर्गत लाया जाए, इसको लेकर और राफेल मुद्दे में भारतीय जनता पार्टी सार्वजनिक तौर पर श्वेत पत्र जारी करे, राफेल विमान की कीमत बताने का काम करे और ये खुलासा करे कि हमने इसमें कोई घोटाला करने का काम नहीं किया। इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरे देश में जगह जगह पर मोदी जी से सवाल पूछ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछ रहे हैं। वही सवाल हमारे कांग्रेस के जन आज कानपुर में गांधी प्रतिमा में इकट्ठे होकर, गांधी के दर्शन वाली पार्टी, गांधी के दिशा पर चलने वाली पार्टी आज गांधी प्रतिमा में इकट्ठे होकर के हम लोग नॉन पेट्रोल जैसे बैलगाड़ी है, खड़खड़ा है, साइकिल है, और पैदल चल करके हम कानपुर के कमिश्नर से मांग करेंगे कि मोदी जी पेट्रोल डीजल और रसोई गैस को आम जनमानस को राहत पहुंचाने के लिए आप इसको GST के अंतर्गत लाने का काम करें, और राफेल मामले में पूरे 125 करोड़ जनता को बताने का काम किए करें कि आपने घोटाला नहीं किया। अगर ये काम नहीं किया तो कहा जाता है अंग्रेजी में साइलेंस इज हाफ कंसर्न, अगर कोई जवाब नहीं देते हो इसका मतलब दाल में काला है, और इसके लिए हम लोग तब तक आंदोलन करेंगे जब तक मोदी सरकार को उखाड़ कर फेंकने का काम, और उस मामले में राफेल मामले में JPC की मांग कांग्रेस लंबे समय से कर रही है। हमारी मांग है राष्ट्रपति जी से कि JP के जांच कराए राफेल मामले में और डीजल पेट्रोल रसोई गैस को GST के अंतर्गत।